अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब पे नजर। इन्हें न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। पूरी दुनिया को पता है, पूरी जनता को पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और पूरी इंडिया में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है। अरे कम से कम बीजेपी वालों अब तो सुधरो, बहुत हो चुका। इतना बर्बाद मत करो जनता को, जो कांग्रेस ने बनाया है 70 साल में तुम उसको बर्बाद कर दिया। अब बचा कुचा मत करो, राहुल जी उसे उभार रहे हो, तुम उसे गिरा रहे हो। इसलिए 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वरना ये देश और भी 200-300 साल। लेकिन मणिपुर का एक वीडियो जो वायरल हुआ, उसने पूरे देश को दुनिया भर में शर्मसार किया और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं वो गुस्से में है। आपने देखा गुस्से में? वो बोल रहे गुस्से में होने वाला बंदा वहाँ होना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री को होना चाहिए मौजूद, वो वहाँ क्यों नहीं है? वो अपने अमेरिका की रूट कर रहा है, कभी कहाँ का रूट कर रहा। अरे प्रधानमंत्री है, कम से कम मणिपुर में जाओ और विश्वास दिलाओ जनता को। कोई बात नहीं है, वो एक बार भी गए जनता के अंदर? नहीं गए ना। जाने वालों को भी रोक रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे रोक रहे हैं। अरे उनको मिली जुली है, वो मिले हुए लोगों से, वो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब महंगाई के ऊपर देख लीजिए ना, कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, बढ़ते थे 1 रुपया 2 रुपया। अगर जब भी बढ़ते थे, स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी रोड पे कि हमारा महंगाई डायन खाए जाता है। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई है? आज वो स्मृति ईरानी क्यों नहीं निकल के आ रही बाहर? उसको निकलना चाहिए ना। मणिपुर जैसी घटना पे भी नहीं बोलती है भाजपा की महिला मंत्री। मणिपुर में क्या बोलेंगे वो? एक आदिवासी ने, उन्हीं के नेता ने एक आदिवासी में पेशाब करा है, उस पे भी नहीं बोले? ये गलत है। आप बताइए, कंपनसेट कर तो लिया उसने? अरे आप, मैं बताऊँ, आपका सर फोड़ दो कोई और फिर कह दो चलो मैं पट्टियाँ बंधा देता हूँ, उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? सत्ता का डर सता गया हूँ। ऐसा है जी, ये सब उन्हीं का काम है, करवाने वाले वही और मिटाने वाले वही। वो कहते हैं रामू दो चाय लाना, इसका क्या मतलब है? लाना भी और नहीं भी। देखो खेल भी उन्हीं का है और बिगाड़ना भी उन्हीं का है। वो राहुल जी को गिराना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी वो शख्स है कि उनकी दादी ने क्या करा, देश बनाया है, तो राहुल जी भी देश बना रहे हैं।